खाना खाने के बाद कुछ स्वीट खाने का मन करिए तो आज हम बनाने वाले हैं स्वीट छेना पराठा, जो बनेगा पनीर से, जो बहुत टेस्टी बनता है, हेल्दी भी है और बहुत जल्दी बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिया है हमने पनीर, एक ब्लॉक छोटा सा लिया है हमने, क्योंकि एक पराठे के हिसाब से चाहिए था। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है, इलायची का पाउडर लिया है और बादाम को अच्छे से पीस करके ले लिया है। सबसे पहले हम स्टफिंग रेडी करेंगे, तो उसको पनीर को हमने ग्रेट कर लिया, फिर इसमें ऐड कर दिया 1 चम्मच मिल्क पाउडर, इतना इनफ था। इसके बाद ऐड कर दिया इसमें इलायची का पाउडर और बादाम को जो हमने पीस करके रखा था, वो अच्छे से मिक्स कर लिया इसको। और स्वीटनेस कम लग रही थी तो हमने इसके अंदर ऐड किया 1 चम्मच देसी खांड, आप चाहें तो शुगर यूज़ कर सकते हो। फिर नॉर्मल हमने आटे की लोई ली, उसको अच्छे से बेला, इसमें लगाया घी, अच्छे से स्प्रेड किया और जो फिलिंग थी उसको अच्छे से हमने फिल कर दिया, इसमें लॉक कर देंगे। ये आटा बिल्कुल नॉर्मल वाला है, इसमें सॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, बस इसको अच्छे से बेल लें हल्के हाथ से और लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लें, गोल्डन ब्राउन होने तक घी लगाकर अच्छे से इसको सेक लें दोनों साइड से, अच्छे से आराम से सेकें इसको। ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल खोया वाला टेस्ट लगता है। खोया ना भी मिले आपको तो आप इससे बना सकते हो। अच्छे से इसको सेक लिया है हमने, यहाँ रेडी है और सर्व कर लेते हैं। सर्व किया है हमने इसको 1 चम्मच घर की फ्रेश मलाई के साथ। अगर आपके पास वाइट बटर हो जो अनसॉल्टेड होता है, आप उससे भी सर्व कर सकते हो और ये रेसिपी बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी। और हाँ, स्वीटनेस आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।